नमस्ते क्रेजी पीपल, दिस इज ऋतिक राठौड़ एंड यू आर वॉचिंग आर थ्री ब्लॉग्स को स्पॉन्सर्ड बाय हिप हॉप क्लोदिंग इंडिया। तो नमस्ते भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग, अरे यार कैमरा खुल रहा है, फाइनली एमसी स्टैन हियर। सो यार भाई फाइनली भाई थोड़ा आगे आ जाओ यार। सो जैसे सब लोग को प्रॉमिस किया था यार मैं एमसी स्टैन से मिलूंगा, मेरे बहुत ज़्यादा लग गया है, ये देखो यहाँ पे फोड़ा भी आ गया पुणे की ट्रेन में। सो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई एमसी स्टैन से ये बोलो, गालियाँ भी बहुत आए थे उनको ये। सो या सो सबसे पहले एमसी स्टैन को ये क्वेश्चन कि यार एमी वे और डिवाइन में ऐसा क्या बुरा है, जो मुझे एक फ़ैन ने पूछा था। सीन कैसा है मोहम्मद, एक क्या हो गया था, दोनों आए थे पुणे में ना, और एक मेरा होमी था उसने एमी वे को कॉल करा था और बोला था ना क्या कि भाई ने क्या तेरा बहुत बड़ा फ़ैन है ऐसा वैसा, और मेरे सामने कॉल किया था, मैंने बोला था उसको मत कर क्या झाटू लोग को कॉल कर रहा, ये सीन हो गया। फिर हो गया तो फिर उसने मम्मा ने क्या सीधा बोला कि भाई फ़ैन तो ठीक है, तूने क्या अभी जाके तुमने क्या भगवान के पाँव पढ़ो, बोले ना क्या तुम लोग भगवान के पाँव पढ़ो कि आज तुमने एमी वे से बात कर लिए ला, ये सीन हो गया भाई। और फिर और ना क्या मेरे वीडियो के पीछे से मैं जब स्पिट कर रहा था ना, बॉम्बे की बात है ये, मलाड साइफर था एक ना क्या कैड उनकस था, तो मैं उधर स्पिट कर रहा था, पीछे से बोलने का डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बोले ना क्या हिजड़ा दिख रहा है ये वो, नाक में टोचेला ये वो, ट्रिप कर रहा था मैं कुछ ना मम्मा। फिर ना क्या वो सीन है वो डिवाइन का, तो मम्मा वो आया था इधर पुणे में कन्वाइन करके क्लब है उधर आया था, हम लोग भी उधर गए थे ना क्या, उसको बोले चल 5 मिनट साइफर करेंगे, करा आने मतलब कुछ सीन ना हो गया, आने के बाहर थोड़ा रुका भी का ढल डाला ने क्या बोला हाँ करेंगे करेंगे, गया और होटल पे जाके चिलीज कर रहा था, उसको बोले हम फुकरा गया 400-500 सब है हमारे पास नहीं क्या चुप बोले उस सीन में ये कल्टी भी डाला मम्मा पब्लिक को देख के हमारी सब एड़े देना, तो ये सीन हो गया फुल बीटी वाली ट्रिप हो गई। तो फिर मम्मा मेरे को तो पटी ना उनकी बात, और फेक शिट तो चालू जे देखा रहेंगे अभी भी न बना वो कुछ उन लोग का काम 25 से 26 है कुछ भी वो, तो मम्मा मेरे को तो एम ई वे का तो मम्मा एक बात समझ में ना आता, अभी भी उसका ट्रैक नहीं गया पब्लिक सुना है मेरे को कि नहीं गया कौन हूँ मैं करके, तो उसने उसको खुद को नहीं मालूम मम्मा कौन है वो, और वो पब्लिक को ज्ञान बांट रहे ला, बोले तो क्या मतलब क्या ट्रिप क्या करने का, फिर उसके गाने तो मम्मा फक्टअप बोले तो अभी क्या बोले यार देख वर्ड्स नहीं मेरे पास इतने गंदे देख। ओके सो भाई थोड़ा इधर आ जाओ। सो भाई ये था एमी वे भाई जो फैन ने पूछा था सर के फैन ने। सो ओके सो दूसरा क्वेश्चन ये कि मुझे और एक बंदे ने पूछा था भाई आप इतने गालियाँ क्यों देते हो, भाई गालियाँ देने में बुरा नहीं है, सो भाई भाई के लैंग्वेज में पूछ लो भाई गालियाँ क्यों देते हैं। हाँ तो मम्मा सीन क्या गाली क्या गाली तो सिर्फ मम्मा का ऐसा है हमारे खूब मतलब हमारे चालू जी हमारा स्लैंग जी मम्मा गाली नहीं क्या करेश हम लोग वो चीज़ मतलब गाली बोले तो है यार अभी ऐसा नहीं है कि माँ बाप से करे, पब्लिक जो ट्रिप में बैठ रहे ना हम लोग महफिल वहफिल में उधर तो चालू रहते, और मम्मा देख गाली के बिना पब्लिक मेरे गाने नहीं सुनते, क्या बोलूँ अभी उनको मजा आता गाली में क्या। ओके भाई तो भाई का ये पहला इंटरव्यू है, सो भाई थोड़ा कैमरे में नहीं देख रहे भाई, थोड़ा कैमरे में देखो यार पुणे पुणे। सो भाई ये थे दो क्वेश्चंस। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई हम तो हमारे के में वीडियो के व्यूज चले गए आपके नाम पे, तो उसके लिए थैंक यू। एंड या एमसी स्टैन ये नाम कहाँ से आया भाई, ये स्लिम शेडी के फैंस को बोलते हैं एमसी स्टैन, और एक मम्मा बहुत डीप है ना क्या जो मतलब किसने मतलब नहीं क्या इन्वेंट नहीं कर ला है, बट शैतान और इसके बीच में नहीं क्या जंग होती ना, तो उसको स्टैन बोलते एक चीज़ है वॉर को स्टैन बोलते, तो मम्मा मेरे दोनों के बीच में अटक गए है कि शैतान बनू क्या नहीं क्या अच्छा इंसान बनो, वो ट्रिप मेरी चालू है दिमाग में अभी जब अच्छा इंसान बनेगा क्या करूँ और क्या नहीं, वो सीन मतलब समझ रहा तो सब है लेकिन नहीं क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो ये सब वो सीन है अभी स्टैन का, मतलब बोलो तो स्लिम शेडी के फ़ैन है मम्मा हम लोग, मैं तो इंस्पायर फैन बोले तो मम्मा मैं स्लिम शेडी बनना नहीं एमी वे एमिनम नहीं बनना चाहता मैं सिर्फ नहीं क्या मम्मा एमसी स्टैन बोले तो मैं उसका एक फ़ैन है बोले तो जिनसे बोलना जाए ना इंस्पायर बोले इंस्पिरेशन उससे अच्छा ली ला मैंने पाक बिग को सुनता बट इंस्पिरेशन उससे ली ला मम्मा मैं वो सुनता है शेडी को। ओके सो भाई की ये थी कहानी। सो एक चीज़ है कि यार हिप हॉप लाइक हिप हॉप के नाम पे सब वो वाला जो रैप था उसका मीनिंग मुझे पता है एग्जैक्टली क्या सीन है कि रॉ हिप हॉप एग्जैक्टली क्या रहता है, हिप हॉप क्या चीज़ है एग्जैक्टली। सो भाई अपने लैंग्वेज में बताओ कि आप हिप हॉप को कैसे डिफाइन करोगे। डिफाइन बोले तो थोड़ा आगे आ जाओ यार क्यों यार हिप हॉप बोले तो सीन बोले तो हिप हॉप है रे अपने इंडिया में भी बहुत हिप हॉप है
ये जो बोलते ना मम्मा टुपक जो थग लाइफ करने का, अपने इधर भी वो जे सीन है क्या, छोरा मारा भांटे बिंटे छाले सब अपने इधर वो जे मम्मा, कहीं पर लोग फुल मूवी में ब्लेड लेके घूम रहे, सिर्फ पब्लिक को ये मालूम नहीं कि नहीं क्या थग लाइफ और नहीं क्या इंडिया में हिप हॉप ये चीज़ को बोलते, उन लोग को ये चीज़ नहीं मालूम सिर्फ थग लाइफ है, हिप हॉप तो है मम्मा सब में, हम लोग तो फुल फील बोले तो मम्मा गहरा चले जाते, मतलब इतना डीप जाते कि कौन वापस निकल भी नहीं सकता हमको। ओके सो ये थे तीन क्वेश्चंस। अब यार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सब तो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, और जो ट्रेंडिंग पे जो भाई का रैप चल रहा था एमिवे और डिवाइन को, तो भाई फैंस के लिए एक बार वो सुना सकते हो? मम्मा वो तो बहुत बड़े लग रहे, एक बार भाई प्लीज सुनाने को कुछ नहीं रहे, बीट दो रे बीट बॉक्सिंग को, मैं देता हूँ दे दे भाई दे, मैं स्पीड करता। ओके कैमरा में देख के भाई, कैमरा फुल ले आ भाई, बूम बैप दे फुल कुंडा या चेक इट। पैदा हुआ मैं वहाँ पे, हिपहॉप नहीं था जहाँ पे सिर्फ हमारी गुनेगारी गिरी चलती थी, यहाँ पे तंग हो चुका था बंड हो गए 90s में, खो चुका था टूपा के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज़्यादा, भलता में बजा देख फ्री स्टाइल लेकर करता मैं सजा ने बजा, सजा नहीं देख सजा ने बैठी मेरे को सजा, 302 की धारा इधर दिख रही नहीं कैमरे में, फ्री स्टाइल में बजरा क्या मैं देख बजरा, फ्री स्टाइल नहीं करता लेकिन फिर भी मैं बजरा। हाँ सुन तो भाई ने ऑन टाइम ही किया है, कुछ और आता बलता था मम्मा okay, बलता था तो भी मतलब सीन क्या है मम्मा देख, हाँ माइक दिया इधर सीन क्या है मम्मा देख, समझ मेरी बात को, मैं वही तक गया रहा मम्मा कंटल गया, मतलब पब्लिक वो ट्रिप कर रही बोले क्या तू ये चोच वोच 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 बहुत, ने मतलब नहीं क्या हर मतलब जो जो भी मिल रहा ना मम्मा, अरे बहुत हार्ड है बहुत, एक सुन के मम्मा बोर हो गए अरे कुछ ना हुआ कमेंट करो ना क्या, दिल को खुशी हो जैसे ना क्या, वो ट्रिप करो और कैसा वो बोर हो गए मम्मा, कौन भी पब्लिक मिल रहा ना वो बजने बोल रहे, तो इसलिए हल्दा ट्रिप है फुल, समझेंगे तुम बाद में अगर तुम पे बीतेंगी तो ये बात। व्हाट्सअप सो जैसे ही है ना, क्या सीन हुआ है कि हमने जगह चेंज कर लिया क्योंकि भाई को चाहिए थे कि अपने होमीज आगे रहे, सो यार नंबर का है क्या सब नंबर का है। ओके सो यार पीछे के होमीज यार चिल्ला दो यार थोड़ा सा, तो ये एमसी स्टैन का है भाई, मैं सीरियसली है ना मेरा है ना पूरा जज्बा आ गया, और सो भाई सीधा एमिवे और डिवाइन अगर ये वीडियो देखेंगे ना भाई सीधा बोल दो, अब क्या बोला अभी सब लोग मेरे हिस्से का। सो भाई अब जो मेन क्वेश्चन उठा था कि यार डिवाइन एंड एमिवे को रिप्लाई भाई ने क्यों किया, सो वो कंट्रोवर्सी के पीछे रीजन क्या था, सो भाई सीधा क्या उन लोग के बारे में बोलेंगे? हाँ क्या है मम्मा देख सीन क्या होता है, एमिवे का बोलता पहला, मैं दोनों का बोलता, एमिवे का सीन होगा था ना क्या पुणे में आया था, और मतलब मम्मा हम लोग भी गए थे बॉम्बे में, वो मालाड में सीन होगा था ना क्या थोड़ा साइफर ऊपर था, तो मैं उधर बज रहा था, पब्लिक बोलने का अच्छा हाइप भी फुल क्रिएट हो गई थी, तो क्या मालूम उसको क्या हो रहा था, पिक्चर्स बोलने क्या बोले ना क्या हिजरा दिख रहा नोज रिंग डाल रहा तू वैसा ये वो ना क्या फुल पादरे बातें चालू उसके, बोला ठीक है मम्मा ना क्या कुछ सीन नहीं, और हमारे होमी लोग को क्या बोल रहा है, एक होमी ने कॉल करा उसको, तो उसको क्या बोलता बोले आज तूने एमिवे से बात कर ले है, बोले जा भगवान के पाँव पर, होमीज को मेरे एक होमी है मम्मा उसको क्या बोल रहा जा भगवान के पाँव पर आज तूने एमिवे से बात कर ले है, एक काम कर रहे भाई मैं भी बात कर रहा हूँ ये लो मेरे पैर so, अरे सब अरे भाई कैमरा ही हिला दिया चलते रहे सो भाई अरे अरे कैमरा क्यों हिल रहा है, ओ लोग हिलने लगे तो कैमरा भी हिल रहा है, ओ वन टाइम अच्छे मामा है सब मेरे इससे सही है सो भाई हम लोग है ना टू बी ऑनेस्ट हमने वहीं पे वीडियो खत्म कर दिया था, भाई ने खुद बोला था कि भाई मेरे होमीज इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे होमीज है तो मैं हूँ, होमीज है तो मैं हूँ, सो यार सबसे पहले एमसी स्टैन के लिए हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे, सो यार ये मत वो सब ट्रिप मत, ओके सो या दोस्तों नहीं सो यार जो रैप था रैप के एंड में ना भाई आपने बोला था कि यार एमिवे डिवाइन के बारे में कुछ बोला था, तो वो लिखने के पीछे आपने तो रीजन बोल दिया, सो डिवाइन के पीछे रीजन क्या था? हाँ डिवाइन का नहीं बोलना चाहिए, हाँ डिवाइन का क्या था मैंने क्या पुणे में आया था हम लोग उसको बोले ना क्या बोले साइफर करने का ऐसा वैसा, तो फुल फकड़ में ना क्या फुल फायर होके बज रहा था ना क्या सब हमारी पब्लिक ने क्या उसको बोले साइफर, तो आया नीचे फोटो वीटो काट के चल दिया, बोले ठीक है बाहर मिलने का ऐसा वैसा, तो मम्मा उसको बोले लाए जेडी है ना उसका होमी है ना जेडी उसको जाके पूछ बोलने का, उसको जाके मुँह पे बोले लाए फेंके तू, और 5 मिनट रुका भी था भाई उधर बोले किसके गांड में दम नहीं किसने कुछ नहीं करा, बाहर आया देखा भी का उसको बोले चरसा फुकरा क्या नहीं नहीं चल दिया कुछ नहीं। तो ये थी भाई की कहानी, भाई यहीं पे ख़त्म करना है,
नए भाई मेरे को बोल भाई ने क्या मतलब हिप हॉप के बारे में तो भाई मम्मा भाई को हिप हॉप के बारे में बोलना था यार। हिप हॉप का जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था वो तो पूरा नहीं था भाई, अब पूरा मीनिंग के साथ डेफिनेशन दे के मैं गाली नहीं दे सकता, मम्मी पापा भी देखते हैं। सो आप अपनी लैंग्वेज में बोलना। पुणे का तो सीन मम्मा कैसा है अभी देख चालू है रे भाई रहा जाने वाला पुणे तो अभी बॉम्बे बॉम्बे दिल्ली दिल्ली बहुत हो रहा था, पुणे आएगा मम्मा देखो और मेरे ट्रैक्स मम्मा आते रहेंगे ना क्या सब पुणे के सब एड़े मम्मा सब 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 चीज आने वाले बहुत हार्ड हार्ड चीज है गुनेगारी भी चालू है पर हिप हॉप में चालू है गुनेगारी दारदारी सही है मम्मा और बहुत चीज है यार अभी क्या एक्सपोज नहीं कर सकता मैंने क्या बॉम्बे के पब्लिक के साथ बहुत लफड़े हो गए मेरे को बोले एक टांग पे छोड़ेंगे तेरी लंड भी काट डालेंगे पीछे जो बीट बज रही अच्छी बैठी है आए फ्रीस्टाइल ले आगे रास्ता पे एक मिनट में दे डालेंगे। सो गाइस ये था एमसी स्टैन का भाई, भाई ने बोला कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा, भाई के रैप आते रहेंगे। मैं शेयर करते रहूँगा अपने इंस्टा आईडी से, मुझे फॉलो कीजिए आई एम अंडरस्कोर ऋतिक पे और भाई को फॉलो कीजिए एमसी अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर एन पे। सो यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई को क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार रॉ टैलेंट को अभी सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू लेके कितना करूँगा, रॉ टैलेंट को ऊपर लाके मैं क्यों ना सेलिब्रिटी बना दूँ अगर मुझे मौका मिल रहा है किसको सेलिब्रिटी बनाने का, भाई ऑलरेडी सेलिब्रिटी है अपने। सो गाइज मेक श्योर टू हिट अ लाइक कमेंट डाउन सब्सक्राइब कीजिए बाय। भाई यहाँ पे आ जाओ यार मेरे पास थोड़ा लाइक मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार मेरे को अच्छा लग रहा है कंधे पे हाथ रखे। सो मेरे व्यूवर्स को आप क्या बोलना चाहोगे मेरे बारे में यार थोड़ा सा अच्छा। हाँ मम्मा अच्छा क्या यार हाँ क्या मम्मा ये बंदे को हाँ क्या सही से मैं हाँ क्या मम्मा हिप हॉप अगर सुन रहा हूँ मतलब अंडरग्राउंड ये जाके मतलब और पब्लिक को झड़ने वाला अभी घरे घरे अंडरग्राउंड जो पब्लिक है ना बॉम्बे छोड़ कोई दिल्ली विल्ली रहेगा ना मम्मा उसको भी झड़ने वाला है, इसका बहुत गहरा गहरा सीन है, इसके कपड़े विपड़े भी बहुत हार्ड बनने वाले, जाके झड़ डालो बहुत हार्ड है। नहीं सही है बेचारे को मैंने बहुत वेट करा है सॉरी भाई फिर भी नहीं क्या मिले होगा सीन जरा सॉरी। ओके सो भाई ने जो कपड़े को बोला था ये हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया से है, अगर आपको ये हुडी बाय करना होगा तो यहाँ पे जो आ रहा है हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया वहाँ पे जाके DM कीजिए कॉल कीजिए आपको मिलेगा ऋतिक 10 प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। सो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो लोगो आ रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए और मेरा जो वीडियो आप पिछला नहीं देखा होगा तो यहाँ पे जो लिंक आ रहा है वो उस पे जाके क्लिक कीजिए। टिल देन जो करना है करो बस।